नमस्कार बिजनौटक में आपका स्वागत है। राशन डीलर के घर में अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग से घर में रखा सारा सामान धू धू कर जलने लगा। गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण यह घटना होना बताई जा रही है। वहीं घर में रखा दूसरा सिलेंडर भी फट जाने के कारण आग ने और विकराल रूप ले लिया। इस विकराल आग के कारण आसपास के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया और आग बुझाने में जुट गए। आपको बता दें कि अफजलगढ़ के मोहल्ला गौहर अली खां में राशन डीलर शफीक अहमद के घर में अचानक सिलेंडर के लीकेज होने के कारण आग लग गई, जिससे घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरा सिलेंडर भी आग की चपेट में आने के कारण फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के विकराल रूप लेने के कारण आसपास के मोहल्ले के मकानों को पुलिस द्वारा खाली करा दिया गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 200 मीटर के दायरे को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया। आग की चपेट में कोई भी ना आए, इसके लिए पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को मकान के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। मौके पर चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आज की जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है ना, तुरंत गाड़ी लेकर हम वहाँ से धामपुर फायर स्टेशन धामपुर से चले और यहाँ आकर देखा तो आग के गोले निकल रहे थे, सिलेंडर फट रहे थे। बहुत तकड़ी आग थी, बाद उसके आग पर काबू पाया गया। तीन गाड़ियाँ लगाई गई और चार घंटे तो उसमें आवश्यकता है ही लगने की। अभी अंदर आग है, उसे पूर्ण रूप से बुझ जाएगी। अब तक बस यही है और उसका कंजक्शन